ये वाला चढ़ाई जो है ना गाइस, इसमें थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते। देख रहे हो ऐसे एकदम सीधा ऊपर की तरफ है। तो ये रहा गाइस गौतम बुद्ध जी का टेंपल। ये 10 रुपए का डोसा है, 15 रुपए का बड़ा पाव है, 40 रुपए का पिज्जा है, सब सब मिलता है, इसलिए हम लोग 50 का पिटोट ला के खाने आते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 1 जनवरी 2024 और अरे यार भी काबू लग रहा है फिर से। हेलो गाइस, अरे नव्या सांत्रा, नव्या सांत्रा सबको हम लोगों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, दीदी लोग आई हुई है, जैसा कि पिछले ब्लॉग में पता ही होगा, बट इस ब्लॉग में एक और दीदी आ गई है, इधर बड़ी वाली दीदी। तो अभी हम लोगों के यहाँ इन लोगों के लिए पार्टी चल रही है, लिट्टी और चोखा बन रहा है, और उसके बाद एक और सेवा होगा, नॉनवेज भी रहेगा, कोपर लिट्टी। तो इधर छोटू भी आ गया है भोपाल से, ये रहा, और नव्या सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या खा रही है आज, कैसे मेरे को भी देंगी। और ये एक बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड कर रहा है, बहुत दिन बाद आया है प्रियांश। तो अभी देखते हैं आज का सीन क्या रहता है, और थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने उमने में। ए रावण अच्छे से हंसा यहाँ निकल गई। तो देखते हैं गाइस, पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कहीं चलेंगे आज भी घूमने। तो अभी हम लोगों का लिट्टी रेडी हो गया है, फटाफट खाते हैं। और इधर देख रहे हो एक चूल्हा है, कितने सारे आग तापने वाले, सब लोग बैठ के यहीं पे खा रहे हैं, मस्त गर्म कर रहे हैं। इधर दो लोग और आ गए हैं, बुआ और रानी, आज बहुत सारे मेहमान इकट्ठा हो रहे हैं। बड़ी वाली बुआ नहीं आई रे, दो लोग और आ गए हैं, जल्दी जल्दी आओ बैठ जाओ खाने, गर्मा गर्म लिट्टी रेडी है। तो अभी गाइस हम लोग चल रहे हैं रिलायंस के टाउनशिप में, जो गौतम बुद्ध वाला टेंपल बना हुआ है वहाँ पे। मैं सिर्फ गया हूँ, बाकी ये कोई लोग नहीं देखे। ये गए हो तुम, मनु आप गए हैं? नहीं गए ना, जीजू को भी घुमाना है, तो चल के दिखाते हैं, पहुँचते हैं सीधा वहाँ। अरे पहले बार देखा, साफ सफाई का ध्यान दे। ओहो हो, ये स्पेशल नोटिस, साफ सफाई का ध्यान लिखल बा, कचरा लेकर संगे आ जाता क्यों रे, जितनी मार रहे सरला लग पहले बात हो जाए, साफ सफाई का ध्यान दे, कचरा लेकर तोरी के आ गए ना, बताओ देख ले तोर तोर इंसल्ट मार दे, कचरा वालों की ही महत्व है, सब जगह उसी को रखते हैं डस्टबिन। चलो काहे की थूका की थूकने के लिए, कचरो बन के शांति नहीं आता। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं टाउनशिप के पास, और इधर एंट्री एंट्री करना पड़ेगा क्या? ओहो, तो अभी चल रहे हैं अंदर, और पहले से वैसे कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, पहले मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे, एक बार व्लॉग भी बनाया था यहाँ का। ये देख रहे हो गाइस फ्लावर कितना मस्त मस्त फूला हुआ है चारों तरफ, जब मैं पिछली बार आया था ना, वैसे यहाँ पे गार्डन टाइप का है, वहाँ पे देखो सामने, वहाँ से फूल पूरा उसको उगाते हैं, फिर बगल बगल में ले जाके लगाते हैं। तो अभी ये रहा इसका ऊपर जाने का रास्ता, वैसे भीड़ कम है, कांत जितना हम लोग सोए थे उतना भीड़ नहीं है, सब लोग खाना पीना बनाने दूसरे जगह गए हैं पिकनिक मनाने, क्योंकि यहाँ पे देखो खाना पीना बनाने का व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं करने देते। फूल तोड़ना मना है, इसको तोड़ के ले चलो। देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, पूरा व्हाइट ही व्हाइट, और ऐसे ही लाइन से चारों तरफ फूल लगा हुआ है, इसी फूल को अगल बगल पूरा चारों तरफ लगाते हैं। ये वाला चढ़ाई जो है ना गाइस, इसमें थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते, देख रहे हो ऐसे एकदम सीधा ऊपर की तरफ है, ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा क्या? तो ये रहा गाइस गौतम बुद्ध जी का टेंपल, और इसके नीचे कुछ बना हुआ है, काफी सारे अंदर भी मूर्तियां हैं, और देख रहे हो कितने लोग आए हैं, इधर भी काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी बैठे हुए हैं। नदी में नहात ये लड़का नहीं है, स्विमिंग पूल में। तो ये रहा नीचे का टाउनशिप गाइस, देख रहे हो पूरा इधर का चारों तरफ टाउनशिप है, और इसके बगल में ये वाला स्विमिंग पूल, ये वाला है थिएटर, और इधर भी पता नहीं कुछ बना हुआ है, नीचे देख रहे हो कितना अच्छा पूरा फूल लगा हुआ है, और काफी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, देख रहे हो अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और इधर गार्ड अंकल भी घूम रहे हैं, किसी को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, तो यहीं तक अलाउ है, इसके नीचे नहीं जा सकते हो। तो अभी हमारे साथ एक और बंदा जुड़ चुका है इधर, आज जिसका बर्थडे है,
हैप्पी बर्थडे दोस्त, हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद धन्यवाद। घर कुछ पार्टी वोटी बाकी वही से धन्यवाद बोल रहा है। झूरा वैसा झूरा। ये लोग बहुत परेशान किए हैं, देख रहे हो सबको सब लोग फोटो खिंचाने के लिए। ये तो और ज्यादा बोलता है कि हम तो खेता ना जोता हुआ, खेत तब ना जोता हुआ, रुक बताओ सारे लेबर ना जोत लेते, दूसरा ट्रैक्टर ला लेबर है। दूसरा ट्रैक्टर ला ले कौन सा तो सस्ता हम जोतल है। लेकिन नया फोटो की जरूरत काली हमरे पजरे हमरे घरे पजरे कहीं और छोड़म ना। कोई बैलेंस नहीं बन रहा है गिरने हो गए ढकोले सब गए मुंह के पागल। अरे सारे एक चीज अच्छी बात भाई, चोट नहीं लगे भाई। हाँ घास है ना, पूरा घास होने की वजह से चोट नहीं लगा। अरे घाव लग जी रहे, लेकिन कपड़ा गंदा होगा। अरे ये छोटे लड़कों के लिए ले। नागिन के बस में तुम बता, अरे लात से मत मार देना किसी को। तो गाइस हम बताना चाह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। तुरंत अरे देख रहे हो गाइस कितना भीड़ हो गया। अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे लगभग 200-250 लोग के आसपास हो चुके हैं अभी तक। और जब तक जैसे ही शाम होगा ना, बहुत सारे लोग और इकट्ठा होते जाएंगे। और ये देखो अभी पीछे से बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, अभी धीरे धीरे नीचे भी बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और एक काम, इतना विकसित हो गया अपना टाउनशिप यार, अपना शासन से पर इतना विकसित हो गया, सही नहीं आया। देख रहे हो अभी नीचे से और सारे लोग आ रहे हैं। देखो आज का मेरा पिटूल सुन हो गया, उसे डर हो जाता था, आज बहुत भीड़ है। और देखो ना उधर दिखाइए, नजारा दिखाइए, देखिए कितना मस्त हरियाली है, देखिए इधर देखिए पूरा नीचे भी देखिए। तो अभी हम लोग घूम चुके हैं, अब चल रहे सीधा घर की ओर, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, कब से घूम रहे हैं, लगभग 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं। अब क्या बताएं, आपको आना चाहिए, आप ऐसा मिस मत कीजिए। बहुत बड़ा चीज मिस कर दिया आज, बहुत लोग मिस कर दिया। अभी देख रहे अभी भी देखो, ये देखो इधर भी देखो, इधर भी चारों तरफ इधर भी देख, अरे ये नहीं दिखाना था। और इधर देख रहे हो काफी सारे लोग आए हैं, बहुत ज्यादा हरियाली है, हरियाली वैसे भी है, देखो ना पूरा गार्डन है, गार्डन सा हो रहा है। तो गार्डन सा हो गया, अरे बाबू गार्डन कम करो, इधर देखो पुलिस वाले भी है, टोरवो करेंगे। तो अभी चल रहे हैं हम लोग घर की ओर, क्योंकि सुबह से मैं सिर्फ थोड़ा सा ही खा के आया था, भूख बहुत तेज लग रही है। कुछ भी नहीं दोस्त, हम लोग हकीकत बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे सस्ता मिलता है इसलिए खाने के लिए बहाना बता रहा है, आपको पता है। चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं, हम लोग लाइन में बने रहिए, जो दोस्त यार मिलते रहेंगे। और बता और क्या आगे कहाँ सस्ता मिला था, चल दिखा। चलिए सस्ता दिखा, 10 रुपए में चौमीन, 10 रुपए में बड़ा पाव। गलत बता रहे हो, 40 रुपए। अरे भाई, अरे ये क्या लगा है बाहर, रेस्टोरेंट है क्या? हम लोग टोकन लेंगे, टोकन देने के बाद यहाँ देंगे तो वहाँ सब लोग का सामान मिलेगा, तुमको अंदर डालेंगे। थोड़ा प्राइस बता दो। प्राइस ये 10 रुपए का डोसा है, 15 रुपए का बड़ा पाव है, 40 रुपए का पिज्जा है, सब सस्ता मिलता है, इसलिए हम लोग 50 का पिटोट ला के देंगे। खाने आते हैं, बैठन वाली फीलिंग यहाँ लेने जाते थे, खाते तो जो है अलग से, घर पे लेके भी जाते हैं। अच्छा, पार्सल करना हो, बर्थडे में खिलाना हो किसी को, तो इधर ही लेके आ जाओ, तो पैसा बचाना होगा। कितना पेटी? 60 रुपए में दो, 60 में 2, 8 में 2, 8 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 8 मिलाते हैं। यहाँ से खाना लेके यहाँ पे बैठ के खाने के लिए भी काफी सारा चीज बना हुआ है, काफी सारे लोग खा भी रहे हैं, खाने पीने का पूरा व्यवस्था है। तो जो भी आते हो अगर देखना ये वाला जिस दिन खुला रहेगा तो यहाँ से खा के जाना, और इसका टेस्ट आके कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अभी मैं सारा चीज ट्राई नहीं कर रहा हूँ, जो जो खा रहा हूँ उसी का बता पाऊंगा। अपना डोसा आ गया है, मेरे हिसाब से तो कुछ खास उतना टेस्ट नहीं है, तुम लोग बताओ कैसा है। भैया जिस हिसाब से पैसा लगा उस हिसाब से एक नंबर। कितने का मिला ये? 10 रुपए का। क्या लोगे वो भी सही है, 50 रुपए में 6 डोसा। नहीं अच्छा मिलता, लेकिन आज बहुत भीड़ है ना, भीड़ के वजह से थोड़ा क्वालिटी घट गया है, वैसे कुछ खास फिर भी नहीं है। तो अभी गाइस आ गया हूँ घर, और इधर दीदी लोग सारी लोग चली गई हैं, अब ये लोग भी जा रही हैं घर, और नव्या घर जा रही है। अभी रात में कहाँ पिकनिक। अच्छा अच्छा सुनिए ना, सुनिए ना, हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए नव्या, एक बार बोल दीजिए, बोल दीजिए और अच्छे से, हैप्पी न्यू ईयर बोला, ये बोला वो नहीं करेंगे। तो अभी ये लोग जा रहे हैं घर, सारे लोग चले गए हैं, बुआ लोग दीदी लोग सब घर चले गए हैं। अभी पिकनिक नहीं, अभी आप लोग घर जाएंगे। बाय नव्या, इधर इधर बाय। तो अभी सारे मेहमान लोग जा चुके हैं, और आजकल सुबह के 10-11 बजे तक इतना तेज ठंडी लगता है ना, 12 बजे के बाद ही सूरज आजकल उग रहा है, और शाम के जैसे ही 4 बजता है पूरा एकदम
ठंडी लगना स्टार्ट हो जाता है, बिना जैकेट टोपी के तो घूम ही नहीं पाओगे। और अभी आने वाले टाइम में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो वहाँ पे भी जाने का प्लान है। काफी सारे दोस्त लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। वो वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे। तो बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहना, आप लोगों के सपोर्ट से ही इस लेवल से इस लेवल तक की वीडियो दिखा पाऊंगा। तो जो वीडियो आप लोगों को पसंद आती है उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइज नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।